भाई दोस्तों, क्या हाल है? तो भाई आज का जो व्लॉग है वो है अपनी गाड़ी का। भाई बहुत बुरी, मतलब धूल मिट्टी में अच्छी खासी हो रखी है। तो अभी मैंने सोचा आज इसको वॉश करा लेते हैं, पॉलिश वॉलिश करा देते हैं थोड़ी सी, और कुछ इसकी दो तीन चीज़ें और करवानी है तो वो करवा देते हैं। एक तो ये गाना इतना बढ़िया चल रहा है ना आजकल। भाई आज हम गाड़ी को वॉशिंग पे लेके चल रहे हैं, और सभी भाइयों को एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ पर्सनली कि यार देखो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो ना तो जो अपनी हेडलाइट है उसको लो बीम पे रख के चलाओ, सामने वाले को ना परेशानी होती है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो फॉलो करके देखना यार, बदलाव तो हम ही ला सकते हैं। तो बाकी अब मिलते हैं फिर आपको सीधा वर्कशॉप पे, आज अपनी गाड़ी वॉश करवाएंगे। तो भाई मैं वर्कशॉप पे आ गया, अब मेरे से यहाँ गाड़ी छीननी गई है। अब ये भैया ट्राई लेंगे एक बार गाड़ी की, थोड़ा सा चेक करेंगे क्या क्लच व्लच सब चीज़ नॉर्मल ओके, फिर उसके बाद आ गए भैया ट्राई वाले, फिर इन्हें लेके जाके फिर गाड़ी एंड में वॉश करा देंगे, और जो भी बेसिक चीज़ें ठीक होनी होंगी वो हो जाएंगी। ये हेडलाइट है वॉश नहीं होने की, कुछ नहीं देखना, चेक करने करना। चेक तो मैंने कर ली थी, क्लच की चूड़ी टाइट होनी है, क्लच में कोई फायदा नहीं, पूरी सही है। तो भाई इसके नीचे के नट बोल्ट टाइट होने हैं, ये भैया नीचे गए हैं, उसके बाद वॉश वगैरह करवा देंगे, थोड़ी सी गाड़ी साफ सुथरी हो जाएगी। बढ़िया वॉशिंग वॉशिंग हो जाएगी भाई, देखो ये सारी गाड़ियाँ चमक रही हैं, अपनी भी ऐसी हो जाएगी। भाई खोल दी इन्होंने पूरी गाड़ी, बोनेट वगैरह। अब देखो नीचे से दिखाता हूँ कैसी लगती है गाड़ी। ये आगे के साइलेंसर होता है, आईसी वॉल कहाँ से खुलता है? यहाँ से आईसी वॉल इसमें है, वो तो भैया के पास है ना, साफ कर रहे हैं, जाम पड़ा है, यहाँ से खुलता है। निकाल लो जी, निकाल क्या निकाल रहे हो? पेट्रोल साफ करने के लिए उसे। नहीं निकलना, जाम है ये भी। भाई इसमें ना एक आईसी वॉल होता है जो खड़ी गाड़ी में अपने आप आरपीएम को ऊपर नीचे करता है, जिससे आपकी गाड़ी बंद नहीं होती ना रेड लाइट पे। तो ये गाड़ी बंद हो रही थी रेड लाइट पे, मुझको एक्स्ट्रा रेस देनी पड़ रही थी, तो ये जाम है पूरा। अभी वो उसको पेट्रोल वगैरह डाल के ठीक करेंगे, नहीं होगा तो फिर दूसरा पार्ट डलेगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत फेस हो रही थी मुझे, ये हो जाए फिर उसके बाद वॉशिंग हो जाए, फिर अपनी गाड़ी चकाचक हो जाएगी। तेल निकालने के लिए बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है, तब जाके तेल निकलता है। वो कर रहे भैया, तो भाई इसमें अभी गियर ऑयल भी चेक कराया, तो गियर ऑयल डलना है, और एक थ्रॉटल बॉडी किट आती है तो वो सब मैंने ला के दे रहा हूँ, वो फिर डल जाएगा, फिर गाड़ी चकाचक हो जाएगी एकदम बढ़िया। लेके आ रहा हूँ बस, यहीं पे एक शॉप है शाक्या मोटर्स। तो भाई ये इसकी थ्रॉटल बॉडी किट, और ये आ गया गियर ऑयल, अब ये डल जाएगा इसमें, वो खड़ी गाड़ी अपनी
फटाफट देता हूँ इन्हें, फिर डल जाएगा, फिर गाड़ी बेटर हो जाएगी। चमक गई भाई गाड़ी तो। थोड़ी और चमक जाएगी अभी। क्या निकल रहा है मॉइस्चर? यूट्यूब पर डालोगे? और क्या, पूरी गाड़ी का ब्लॉग बनेगा वॉशिंग का। तो मॉइस्चर पुरानी गाड़ियों में निकलता है, नई गाड़ियों में भी निकलता है? जो इसमें खोया ना, जिसमें ये वाली खोया ना, हाँ इनमें निकलता है। आज आप जो आ रही है उनमें नहीं होता होगा। प्लग निकालोगे? नहीं, प्लग इसमें पानी आ जाता। अच्छा, मॉइस्चर निकालोगे उसका भी? मॉइस्चर में चल जाए तो दिक्कत करेगी। मॉइस्चर में झटके ले, झटके रहेगी, फिर मिसिंग कर ले, रास्ता बंद होगी, बंद हो गई। ड्रायर मार के सुखा देते होगे? पेट्रोल से इसमें से निकालना है। इसमें एयर फिल्टर है? इसमें है, देख रहे ना, साफ है, उसमें भी हवा लग जाएगी फिर। धूल तो भाई सब कुछ चकाचक हो गया गाड़ी में। इसमें ना डुअल हॉर्न है, एक हॉर्न बज नहीं रहा था, वो भी ठीक करा दिया मैंने, बिल्कुल पॉलिश वॉलिश सब बढ़िया, फुल वॉश, चकाचक हो गई गाड़ी। तो अगर किसी के पास वैगन आर है तो शायद वो मेरी प्रॉब्लम से रिलेट कर सकेगा, जो जो मैंने ठीक कराया वो चीज़ वो चेक करवा सकता है। दिखाता हूँ आपको गाड़ी, हो गई ना बढ़िया। तो गाइज इस व्लॉग में इतना ही, थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना। टेक केयर गाइज, बाय।